हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल स्टफ। आज के इस वीडियो में हम आए हैं चैल। चैल एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है फ्रॉम शिमला। अगर आप शिमला में थोड़ा सा क्राउड रहता है, आप क्राउड फ्री एरिया चाहते हैं और सिटी की हासिल फसल से दूर आना चाहते हैं, नेचर का काम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार चैल ज़रूर विज़िट करिए। अभी हम लोग आए हैं द चैल पैलेस में, देखते हैं चैल पैलेस कैसा है, उसके बाद और सारी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पे चैल में आकर आपको कहाँ कहाँ विज़िट करना चाहिए, क्या क्या प्लेसेस मस्ट विज़िट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो ये चैल पैलेस है, ये बनाया गया था 1851 में बाय महाराजा ऑफ पटियाला ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, एंड इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर। और चैल पैलेस फैला हुआ है पूरा 75 एकड़ की ज़मीन में। आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी ही होगी, उसमें जो रणछोड़ दास चांचड़ का घर दिखाया हुआ है, उसकी शूटिंग हुई है यहीं चैल पैलेस में। और भी पुरानी कई मूवीज़ की शूटिंग चैल पैलेस में हुई है, जिसकी वजह से चैल पैलेस टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस हो गया है। काफ़ी टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। चैल पैलेस के एंट्री चार्जेस हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन। जितना खूबसूरत चैल पैलेस बाहर से है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत चैल पैलेस अंदर से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराने ज़माने के काफ़ी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है और काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ें दिखाई हुई हैं। चैल पैलेस को अब हिमाचल टूरिज्म ने ले लिया है और इसे एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको काफ़ी टाइप के प्रीमियम रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप प्रीमियम रूम्स में राजा महाराजाओं की तरह रहना चाहते हैं तो आप इस चैल पैलेस में रुक सकते हैं। यहाँ के रूम्स थोड़े महंगे हैं, आपको 10,000 टू मिनिमम 3,000 में यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहो तो इस रेंज में रूम्स लेके यहाँ पे रह सकते हैं। अगर आप थोड़ा राजा महाराजा टाइप्स रूम में रहने का इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर रहें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुराने सामान को काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये पैलेस काफ़ी वर्थ विजिट है। पैलेस से बाहर निकल के 75 एकड़ में फैला हुआ काफ़ी बड़ा यहाँ पे पार्क है और बीच में एक कैफ़े भी है। कैफ़े में हम लोगों ने विज़िट किया बट हमें बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कुछ एक्सट्रीम ही महंगा था। इवन आपको अगर एक सिंपल मैगी खानी है तो वो भी आपको 150 रुपीज़ पे करने के बाद मिलेगी और उसका भी कुछ श्योर नहीं है कि टेस्ट कैसा होगा। तो फिर हम चैल पैलेस से निकल के अब चलते हैं चैल का बहुत ही फेमस कालिका टिब्बा टेम्पल में। ये टेम्पल डेडिकेटेड है काली माता को और ये सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। चैल के बहुत ही ऊंचे पहाड़ों में से एक पहाड़ के टॉप पे बना हुआ है ये टेम्पल, तो यहाँ से आपको अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। चैल चौक से इस टेम्पल की दूरी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स है, तो आप ड्राइव करके भी आ सकते हैं और इवन ट्रैक करके भी आ सकते हैं। और ये पूरा टेम्पल वाइट मार्बल्स और वाइट टाइल से बना हुआ है। अगर आपको कुछ अलोन टाइम पीस में स्पेंड करना है तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ के अमेजिंग व्यूज़ देखकर बिल्कुल मन को शांति मिल जाती है। और सनसेट व्यू की तो बात ही कुछ और है। आई वुड प्रेफर कि आप 4 बजे तक यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद यहाँ से सनसेट ज़रूर दिखें। और इस टेम्पल को विज़िट करते टाइम रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे लेयर्स ऑफ माउंटेन्स आप देख सकते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था, नहीं तो बहुत ही सुंदर दिखता, दूर दूर तक सब कुछ दिखता। यहाँ से इवन आपको शिवालिक रेंज भी देखने को मिल सकती है, सब कुछ मौसम पे डिपेंड करता है। चैल में बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से यहाँ पे आप पीसफुली एकदम काम होके सारे नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और खाने पीने के लिए रास्ते भर में आपको छोटे छोटे मैगी स्टॉल्स, इवन पकौड़ी स्टॉल्स एंड ऑल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे काफ़ी एप्पल गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे। सो एवरीवन, ये था चैल द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। अगर आप लोग शिमला विज़िट कर रहे हैं तो चैल भी ज़रूर विज़िट करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
एंड स्टे सेफ।